वेलकम टू मेरी न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप कहाँ से सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करेंगे और जेन्युइन वर्जन क्या होता है, क्रैक वर्जन क्या होता है, किस तरह से सॉफ्टवेयर को जो इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, किस तरह से अनइंस्टॉल करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है पूरा मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सैफ है। मैं इस चैनल में इसी तरह से टेक्निकल वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस जो शेयर करते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर्स कहाँ पे मिलेंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन में भी मंगा सकते हैं या आप उन सॉफ्टवेयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट से भी वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं बात करता हूँ ऑनलाइन में जो मंगाते हैं वो किस तरह से मंगाते हैं। आपने अमेजोन का तो नाम सुना होगा। अमेजोन से भी आप किसी सॉफ्टवेयर के भी सीडी जो है मंगा सकते हैं या फ्लिपकार्ट से हो या स्नैपडील से हो, उन वेबसाइट से भी जो आप जो भी सीडी आपको चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर की आपको सीडी चाहिए वहाँ से भी आप डायरेक्टली मंगा सकते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी ही ज़्यादातर सीडी वहाँ पे रहती है। जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उनकी सीडी वहाँ पे आपको मिलने का डाउट है। और सॉफ्टवेयर में भी तीन टाइप के सॉफ्टवेयर है, जो एक जेन्युइन है, एक क्रैक वर्जन है, एक जो है फ्री वर्जन है। और जेन्युइन वर्जन जो है ये पेड रहते हैं, इसको आपको पैसे देना होता है। जब आप पैसे देंगे तभी ये आपको एक साल के लिए आपको इनका सपोर्ट रहेगा, एक साल के लिए आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। और क्रैक वर्जन जो होता है सेम उसी वही सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको जेन्युइन जो पेड सॉफ्टवेयर बताया, वैसा ही सेम पेड सॉफ्टवेयर ये, बट ये इलीगल से जो है अपने पीसी में इंस्टॉल किया जाता है क्रैक करके। और नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो फ्री सॉफ्टवेयर, जैसे एग्जांपल गूगल क्रोम हो, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सब फ्री सॉफ्टवेयर है। अपने पीसी में आप जब भी चाहो तब भी आप उसको इंस्टॉल करके आराम से जो है अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कुछ भी रेस्ट्रिक्ट नहीं है। पहले मैं बात करता हूँ जेन्युइन सॉफ्टवेयर की। ये जेन्युइन सॉफ्टवेयर जो है आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे। एग्जाम्पल आपको टैली डाउनलोड करना है तो आपको गूगल में सर्च करना है tally.com, उनके tally.com जो उनका वेबसाइट है उन वेबसाइट्स में आपको उनके जेन्युइन सॉफ्टवेयर जो है मिल जाएंगे। और एग्जाम्पल आपको ऑटो कैड डाउनलोड करना है तो आपको ऑटो कैड का वेबसाइट में जाना है, वहाँ से आपको उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। या आपको कोरल ड्रॉ डाउनलोड करना है तो भी आपको कोरल ड्रॉ के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या आप डायरेक्टली ऑनलाइन में भी सीडी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन से जो सीडी मंगाते हैं उसमें भी सेम सॉफ्टवेयर रहता है और इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी जो आप डाउनलोड करेंगे वो भी सेम सॉफ्टवेयर है, दो भी सेम काम करता है। और इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने का आपको और एक फायदा हो सकता है, अगर आप उसको ट्रायल में डाउनलोड करना चाहते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से जो है ये सॉफ्टवेयर काम करता है, किस तरह से ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नए नए हो उस सॉफ्टवेयर में तो आप बस चेक करना चाहते हो कि किस तरह से जो ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है, वो टाइम पे आप उसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ट्रायल वर्जन 7 दिन के लिए भी मिल सकता है और 14 दिन के लिए भी मिल सकता है और 1 मंथ के लिए भी मिल सकता है। ये डिपेंड अपन उन सॉफ्टवेयर के कंपनी वालों के ऊपर है वो कितना टाइम का आपको ट्रायल वर्जन दे रहे हैं। ट्रायल वर्जन में आपको फुल एक्सेस नहीं रहता, थोड़ा बहुत आप कुछ काम कर सकते हैं। अगर आपको फुल एक्सेस चाहिए तो उसका जेन्युइन वर्जन जो है आपको बाय करना होता है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बाय करने के लिए जाएंगे तो उसका कॉस्ट रहता है, वो कॉस्ट अगर आप उनको पे करेंगे तो आपको एक जेन्युइन की जो है प्रोवाइड करेंगे। जब भी आप वो सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं वो टाइम पे वो की पूछा जाता है, वो की जो है आपको वहां पे इंस्टॉल करना है, तब आपका सॉफ्टवेयर जो है एक्टिवेट हो जाएगा और वो सॉफ्टवेयर जो है जेन्युइन हो जाएगा। आपको एक साल तक कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो उस सॉफ्टवेयर की कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप जो भी उनके पास डाउट पूछना चाहते हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट रहेगा अगर आप जेन्युइन सॉफ्टवेयर लेते हैं तो। जेन्युइन सॉफ्टवेयर लेने का आपको और एक फायदा है, ये वायरस फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें कुछ वायरस नहीं रहता तो आप आराम से जो है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ क्रैक वर्जन की। क्रैक वर्जन का सॉफ्टवेयर जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्रैक वर्जन नहीं मिलेगा, ये कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स रहेंगे जो आपको क्रैक वर्जन के सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइड करते हैं, जैसे गेट इन टू पीसी, ये ज़्यादातर जो है क्रैक वर्जन जो है आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। उन वेबसाइट से जो है आप क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको गाइडेंस भी दे दिया जाता है कि किस तरह से जो है अपने लैपटॉप में एक क्रैक वर्जन जो है इंस्टॉल करना है। जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर है उनके कंपनी की तरफ से आपको की दे दिया जाता है, राइट। एक क्रैक वर्जन जो होता है इसके साथ में भी आपको की जनरेटर बोल के एक टूल मिलता है, उस टूल के थ्रू आप की जनरेट करके जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वहां पे की पूछा जाता है, राइट। वो की जब आप वहां देंगे तो वो क्रैक वर्जन जो है क्रैक हो जाएगा। और जब आप क्रैक वर्जन यूज करेंगे उसमें वायरसेस आने के भी बहुत चांसेस होते हैं और क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिक्योर नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि आप क्रैक वर्जन मत यूज करो, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास अमाउंट है, आपके पास पैसे है तो आप जेन्युइन पे जा सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्रैक वर्जन यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर जेन्युइन वर्जन जो है कंपनीज में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कंपनीज में जो है चेकिंग करने के लिए आते हैं उन कंपनी से। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016,
अगर किसी कंपनी ने क्रैक वर्जन आपने पीसी में डाल के रखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जब चेक इन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले उस ऑफिस में जाएंगे और चेक करेंगे, अगर उधर उन्होंने फाउंड किया है कि यहाँ पे क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर जो है चल रहा है, वो टाइम पे वो लाखों रुपए का फाइन डाल सकते हैं उस कंपनी के ऊपर, और उनको पे भी करना होता है। इसलिए जो है बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं वो क्रैक वर्जन नहीं इस्तेमाल करते, वो पूरे जो है जेन्यून वर्जन इस्तेमाल करता है। अगर आपके घर में एक ही लैपटॉप है, आप स्टैंड एलोन हो, तो आपके पास उतना बजट तो में भी रह सकता है या नहीं भी रह सकता है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप क्रैक वर्जन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेन्यून वर्जन क्या होता है और क्रैक वर्जन क्या होते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फ्री सॉफ्टवेयर की। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है जो आपको फ्री में मिल जाएंगे, जैसे गूगल क्रोम और बहुत सारे और भी, जैसे एडोब रीडर, उनका एक्सटेंशन जो है आपको मिल जाता है, और टू पीडीएफ कन्वर्टर, वो सब पूरे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। ये सब आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो हैवी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो होते हैं जहाँ पे बहुत सारा काम किया जाता है, वो सब सॉफ्टवेयर जो है पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिक्स कि जेन्युइन वर्जन क्या होता है और क्रैक वर्जन क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, वहाँ पे मैं कवर करूँगा कि किस तरह से जो है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और रैर फाइल क्या होती है। जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो वो रैर फाइल में रहता है, उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, कौन सी फाइल जो है एग्जैक्टली रन करना है, वो सब पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।